बिना उनका ओंकार में रूप साकार हुआ और आज हमारे जीवन के हर कार्य हर प्रयास के प्रारंभ में उनकी मंगल मूर्ति का हम स्मरण करते हैं। कितने ही युग बीत गए, पुराण इतिहास और फिर आधुनिक सभ्यता के पथ पर चलकर मानव जीवन धारा 21वीं सदी तक पहुंची। संसार के संकट भरे पथ पर गणेश जी ने सदैव हमारा साथ निभाया। अगणित भक्तों के पाप संताप हरण करके वे लंबोदर बने। ऋषि वेद व्यास के अनुरोध पर गणपति की सिद्ध लेखनी से महाभारत का महाकाव्य बह निकला था। हमारा जीवन नाट्य भी उन्हीं के कृपा हस्त से चालित होकर विघ्न और संकट पर विजय प्राप्त करते हुए बुद्धि सिद्धि सुख और समृद्धि की दिशा में बढ़ता रहे। श्री विनायक से यही प्रार्थना है। आदि पूज्यम गणाध्यक्षम उमा पुत्रम विनायकम मंगलम परमम रूपम श्री गणेशम Thank you.
कितना सुंदर, अति सुंदर। देखो कैसे लताओं पर फूल लगे हुए हैं, कल कल बहते झरने हैं और पवित्र गंगा अपने आराध्य के निमित्त वहां तक पहुंचने के लिए कितनी आतुर है। आहा, ऐसा पवित्र स्थान, यहां तो हरि भजन करने को मन करता है। इच्छा तो यही होती है कि यहां अपने आराध्य निमित्त समाधि लगा लूं, तो यही उचित है, यही समाधि लगाता हूं। नारायण 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 नारायण।